नमस्कार, मैं साक्षी निर्माण और आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। इन्होंने 7 नवंबर 1876 में बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इसकी रचना की थी। वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पद संस्कृत में तथा शेष पद बांग्ला भाषा में थे। राष्ट्रकवि रवींद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। अरबिंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। आज ही के दिन 2008 में कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहमान राही को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कश्मीर के दुख दर्द को अपनी कलम से बयां करने वाले कवि आलोचक रहमान राही को 40वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद भवन के बालयोगी सभागार में राही को एक गरिमापूर्ण एवं भव्य समारोह में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया था। एक पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले राही पहले उर्दू में लिखते रहे, बाद में उन्होंने अपनी मातृभाषा कश्मीरी में लिखना शुरू किया और उन्होंने आज देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान मिलने का भी गौरव प्राप्त किया था। आज के दिन 1944 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चौथी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे। राष्ट्रपति पद के लिए वे 4 बार चुने गए और 1933 से 1945 तक इस पर बने रहे थे, जिसे 1932, 1936, 1940 और 1944 में चुना गया था। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट एकमात्र अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति के रूप में 2 से अधिक पदों की सेवा प्रदान करते थे। उनकी आर्थिक नीतियां नई डील के रूप में संदर्भित की जाती हैं। आज के दिन 1954 में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार भारतीय अभिनेता कमल हासन का जन्म हुआ था। कमल हासन एक भारतीय फिल्म अभिनेता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता, भारतीय सिनेमा के प्रमुख किरदार को जीने वाले अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। कमल हासन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई भारतीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता के तौर पर जाने जाते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार प्रतियोगिता में भारत द्वारा प्रस्तुत सर्वाधिक फिल्मों वाले अभिनेता होने का गौरव प्राप्त है। आज के दिन सन 2000 में भारत में हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम का निधन हुआ था। चिदंबरम सुब्रमण्यम भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। जब भारत को आजादी प्राप्त हुई, उस समय देश में खाद्य उत्पादन की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। जब सी सुब्रमण्यम को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया, तब उन्होंने देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की। उनकी बेहतर कृषि नीतियों के कारण ही 1972 में देश में रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन हुआ। सी सुब्रमण्यम की नीति और कुशल प्रयासों से ही आज देश खाद्य उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है ज्ञान विद्या। मेष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%। सितारे आपके साथ हैं। करियर के लिए समय अच्छा है। पद एवं सम्मान में वृद्धि होगी। प्रोफेशनली आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। आपके शत्रु पराजित होंगे। रणभार से मुक्ति मिलेगी। पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सिंदूरी पीला तथा निषेध रंग हरा व नीला। वृष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%। समय उत्तम है। जीवन सुख शांति बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के मामलों में फायदे होने के योग हैं। आपके ज्ञान विद्या के लिए प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बेहतरीन समय। पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग जामुनी व काला। मिथुन, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 53%। व्यवहार से जुड़े फैसले भावनाओं में बहकर ना लें। आपके व्यर्थ के विवाद संबंधों में कटुता का कारण बन सकते हैं। निराशा एवं नकारात्मक सोच से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी।
कर्क आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%, मांगलिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। समय आपके अनुकूल है, नौकरी में आपकी पहचान पर थोड़ी धूल पड़ सकती है, कार्यों में रुकावटों के योग है। शुभ रंग पीला, सफेद तथा निषेध रंग हरा व काला। सिंह आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%, उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अतरंग अथवा विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। किसी मनोकामना पूर्ति के योग हैं शुभ रंग लाल पीला तथा निषेध रंग काला नीला व हरा। कन्या आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 57%, बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, परिवार और आर्थिक स्थिति के मामले भी सहजता बनाए रखने के लिए सजग रहना होगा। धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि पूर्ण अनुकूल समय नहीं आया है, रुके हुए कार्यों में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग पीला व बसंती। आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%, आपको कार्य से छुट्टी पर जाना पड़ सकता है, कर्मचारियों एवं साझेदारों से कतिपय समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जीवन साथी व बच्चों से संबंध सामान्य रहेंगे, कार्यों में आ रही रुकावटों के दूर होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग काला व नीला। वृश्चिक आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%, अपने विवेक का प्रयोग करें, वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह माने, सफलता प्राप्ति के योग हैं, भारी सहयोग से कार्य होंगे, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, दुर्घटना के योग हैं, शुभ रंग सिंदूरी पीला तथा निषेध रंग हरा व काही। धनु आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 77%, पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, इस समय आपको अपना फोकस बनाए रखने की जरूरत है, भाग्य का सहयोग न मिलने के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती मस्टर्ड तथा निषेध रंग हरा धानी व काही। मकर आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 48%, आध्यात्मिकता और योग मानसिक व्यग्रता दूर करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, आप नए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे, चली आ रही समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग जामुनी। कुंभ आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 49%, विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो उसमें अवरोध आ सकता है, ससुराल में किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि होगी, स्थायी संपत्ति में धन निवेश के योग हैं, आपकी वाणी में कर्कशता अधिक रहेगी, भाग्य वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग काला। मीन आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%, उपलब्धियों के योग बन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकता है, पुराने दोस्तों के साथ भी समय बीतेगा, घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग पीला मस्टर्ड बसंती तथा निषेध रंग हरा काही वैधानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 2:06 से दोपहर 3:51 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें IIMT मीडिया।